गढ़ मेरठ मार्ग पर निर्माणाधीन बाईपास से ढलान और अंडरपास बनाने की मांग को लेकर हजारों किसानों ने रविवार को जनपद हापुड़ के गांव शाहपुर जट के पास बाईपास पर धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसान आंदोलन करेंगे। डिमांड यहाँ है, ये हमारा ऐतिहासिक कस्बा किठोर है, यहाँ से ये रास्ता कुचसर रोड चोपला और गुलावटी सिकंदराबाद तक ये पुराना बहुत पुराना मार्ग है। यहाँ पर गढ़ मेरठ मार्ग फोर लेन हो रहा है, उसका बाईपास बन रहा है। यहाँ पर हमें अंडरपास और मेरठ और गढ़ मुक्तेश्वर जाने के लिए हमें यहीं उतरने और चढ़ने की व्यवस्था जो हमें चाहिए उसकी हम मांग पे यहाँ धरना दिए बैठे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन बाईपास पर अंडरपास और ढलान न होने के कारण किसान को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें माननीय क्षेत्रीय सांसद दानिश अली जी और NHI राजमार्ग के जो अधिकारी हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के, उन लोगों को बुलाया, क्षेत्र के गिने चुने सम्मानित प्रतिष्ठित लोग बुलवाएं, मौजूद लोग जी। उद्देश्य हमारा यह है इस बैठक का कि एक बाईपास गढ़ मेरठ रोड के लिए जो बन रहा है वो नगली गांव से उतर के चलेगा और नानपुर से आगे वो चढ़ेगा, लेकिन इस बीच में हमारे गांव में जो सड़क जाती है किशोर से होती हुई हस्तनापुर आगे तक से आती है, लेकिन इधर जो जाती है चार पांच जिले ये सड़क का संपर्क है, चार पांच जिलों में ये के लोग इधर आते जाते हैं। तो इस सड़क पर इतना बड़ा आवागमन होने के बाद भी उतार चढ़ाव की कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं रखी है, तो उतार चढ़ाव की व्यवस्था के लिए हमने पहले भी सांसद जी से कहा था, उन्होंने संसद में सवाल भी उठाया था और आज आमने सामने राजमार्ग वाले अधिकारी वगैरह सब बुलाए हैं, आमने सामने बात करेंगे। अगर ये बात करने से बातचीत से मामला समझ जाता है, सुलझ जाता है और ये स्वीकार कर लेते हैं, बनाते हैं, आश्वासन देते हैं तो बात खत्म, वरना आगे कोई और राजनीति भूमिका बनाई जाएगी और कोई तरीका अपनाया जाएगा। जैसे गढ़मुक्तेश्वर अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि बाईपास आबादी से दूर बनना चाहिए था और किसानों की भलाई के लिए अंडरपास जरूरी है। किसानों और NHAI अफसरों के बीच बातचीत से समस्या का हल निकाला जाएगा और वो संसद में मामले को उठाएंगे। इस बाईपास पे यहाँ पर जुड़ने जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, हम लोग किसानों की जमीन लेते हैं, किसानों ने बड़ी इच्छा अनिच्छा से जमीन दी है, क्योंकि इस देश का किसान हमेशा देश के डेवलपमेंट के लिए अपनी जमीन हमेशा देता आया है और देता रहेगा, लेकिन उसका फायदा किसान को भी मिलना चाहिए जिनकी जमीन जा रही है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, यहाँ जो लोग बैठे हैं धरने पे जो अपनी मांग लेकर के बैठे हैं ये किसी विकास के खिलाफ नहीं है, बट डेवलपमेंट विद ह्यूमन फेस होना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर जो है लोगों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। हम लोग जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए चुने गए हैं, तो अब या तो सरकार हमें कन्विंस कर ले या हम सरकार को कन्विंस कर ले। बातचीत का रास्ता जो है उस बातचीत के रास्ते में से हल निकाला जाएगा। देखिए ऐसा है, ये तो किसान वालों के साथ जाति कर रहे हैं। मैं तो